पूरे करियर के दौरान हरभजन सिंह के परेशान रहे गिलक्रिस्ट विकेट कीपर ने किया खुलासा। नमस्कार, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने विकेट कीपरों की बल्लेबाजी करने के तरीके को एक बार फिर से परिभाषित किया था, जिसके चलते आज के आधुनिक विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाजों की एक पूरी पीढ़ी की प्रेरणा मिली। अपने करियर में दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों की बकियां उधेड़ने वाला ये बाएं हाथ का बल्लेबाज कुछ गेंदबाजों से काफी परेशान भी रहा। गिलक्रिस्ट ने खुलासा किया कि भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह उनके पूरे करियर से सबसे मुश्किल गेंदबाज थे। cricket.com पर अपने करियर पर बात करते हुए गिलक्रिस्ट ने भारत के खिलाफ 2001 की प्रसिद्ध टेस्ट सीरीज को याद किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने अपने 16वें टेस्ट जीतने के सिलसिले को देखा था। उस प्रतिष्ठित सीरीज के दौरान बाएं हाथ के बल्लेबाज ने मुंबई में पहले टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी की थी। स्टीव वॉ के नेतृत्व में शक्तिशाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लगातार 16वां टेस्ट जीता था। गिलक्रिस्ट बताते हैं कि हम 99.5 विकेट आउट थे, मैं वहां गया, 100 रन बनाए, हमने 3 दिनों में जीत हासिल की और मैंने सोचा कि ये लड़के 30 साल से क्या कर रहे हैं, ये कितना आसान है और मैं कितना गलत। गिलक्रिस्ट ने कहा, हम केवल अगले टेस्ट मैच के लिए तेजी से आगे बढ़े और मैं फिर से वास्तविकता में आ गया हूँ। हालांकि अगले 2 टेस्ट में जो हुआ वह कुछ ऐसा था जो विश्व क्रिकेट के इतिहास में दर्ज है। हमें उस सीरीज के अंत तक ये सीखने की जरूरत थी कि हमको भारतीय को रोकने के लिए कुछ और करने की जरूरत थी, जबकि हमने केवल आक्रमण पर ध्यान दिया, क्योंकि ये हमेशा काम नहीं करता है। हरभजन ने हमारी बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। वह मेरे पूरे करियर में वह मेरे लिए बहुत कड़े प्रतिद्वंद्वी रहे। मैंने उन्हें और मुरली को 2 सबसे कठिन गेंदबाजों के तौर पर पाया। बता दें कि हरभजन ने 3 मैचों में 32 विकेट चटकाए, जिसमें कोलकाता में भारत के लिए पहली टेस्ट हैट्रिक भी शामिल है और उन्हें मैन ऑफ द मैच द सीरीज भी चुना गया। 47 वर्षीय ने आगे कहा कि 2001 की श्रृंखला के बाद ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट क्रिकेट में अपने दृष्टिकोण और रणनीति में बहुत बदलाव किया। गिलक्रिस्ट ने कहा, हमने अपनी रणनीति को काफी हद तक बदल दिया। 2001 में हमने जो सीखा वह है, हम हर तरह से केवल अटैक नहीं कर सकते, हमें अपने अहम को निगलना और डिफेंसिव होना सीखना पड़ेगा और ये पूरी टीम के ऊपर लागू हो।